हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है टेस्ट क्विज पे। आज हम देखते हैं क्लास 10 का टॉपिक जिसमें हमारे पास अवेलेबल है इमेज फॉर्मेशन ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस। इसमें देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे डबल कन्वेक्स लेंस में होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि डबल कन्वेक्स लेंस होता क्या है। डबल कन्वेक्स लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो कन्वर्जिंग हो। ऐसा लेंस क्या हो? जो कन्वर्जिंग हो। अब देखते हैं कि कन्वर्जिंग के डबल कन्वेक्स लेंस में आप इमेज फॉर्मेशन को कैसे देखेंगे और इमेज फॉर्मेशन में फॉर्म कैसे होगा। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डबल कन्वेक्स लेंस में। तो सबसे पहले देखिए कि डबल कन्वेक्स लेंस बनेगा कैसे। अगर एग्जांपल मान लीजिए ये कि ये मेरा क्या है, एक डबल कन्वेक्स लेंस है। अगर ये मेरा डबल कन्वेक्स लेंस है तो उसमें मेरे को क्या क्या चीज को स्पेसिफाई करना है। सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस आएगा सबसे पहले। सेकेंड मेरे पास क्या आएगा? ऑप्टिक सेंटर आएगा। जिस ऑप्टिक सेंटर को वो मैं ओ से स्मॉल ओ से डिनोट करूंगा। फिर मेरे पास दो पोल आएंगे, पहला P1 पोल होगा, दूसरा क्या पोल हो जाएगा मेरा P2 पोल हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी लेंस का लेफ्ट हैंड साइड होगा, जो भी आप लेंस की बात करें उस लेंस का जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको आप स्मॉल P1 से लिखेंगे, जो पोल फर्स्ट होगा, और जो भी लेंस का राइट हैंड साइड होगा उसको आप स्मॉल P2 से लिखेंगे, जो आपका पोल 2 होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इस पे आपने ऑप्टिक सेंटर और पोल को आपने स्पेसिफाई कर दिया है। और क्या स्पेसिफाई करना बचा है देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा फोकस 1, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा फोकस 2, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे इस तरफ 2F1, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ F2। F1 क्या फोकस है, F2 क्या ये भी फोकस है, लेकिन F1 वो फोकस है जब इंसिडेंट रे इस पे क्या करेगा स्ट्राइक करेगा, और F2 वो फोकस है जब यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर निकलेगा। क्लियर? तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। अब सबसे पहले हम लेके चलते हैं पहला, when object is placed at infinity, when object is placed at infinity, इसका सीधा सीधा मतलब समझिएगा, जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ इंफिनिटी पे। इंफिनिटी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, और आपका प्रिंसिपल एक्सिस क्या है 2F1 से 2F2 तक। तो हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, बियॉन्ड 2F1, मतलब एकदम प्रिंसिपल एक्सिस, बियॉन्ड नहीं हो सकते, एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के बिफोर, जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाइन नहीं करता। फिर नेक्स्ट क्या करेगा, इसकी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी टॉप से लेकर बॉटम तक। इसकी लाइन क्या जाएगी, रे ऑफ लाइट जो आ रही है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। फिर हमने देखा था कि रिफ्रैक्शन होते समय, हमने ध्यान से पढ़ा था इस बारे में कि रिफ्रैक्शन होते समय कहां से पास होगा, ये पास होगा फोकस से। कहां से पास होगा, ये रे आपका फोकस से पास होगा। सेम वैसे अगर मान लीजिए आप एक आध दो रे और भी ड्रॉ करते हैं जो कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस से क्या जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, तो डेफिनेटली ये कहां से पास होगा, ये रे आपका पास होगा अगेन फोकस से। ये रे आपका पास होगा अगेन कहां से, फोकस से। आपको आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? तो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन कहां पर हुआ, फोकस हुआ F2 पे। साइज क्या आया, पॉइंट साइज, क्योंकि फोकस खुली पे पॉइंट साइज का है। अब आप इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल u से। तो आप लिख रहे हैं यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां पर है, क्लियरली यहां पर मेंशन है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पे है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा, इनफिनिट आ जाएगा आपका। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल v से। आप लिखिए इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस किससे डिनोट होगा, स्मॉल v। इमेज आपका कहां पर फॉर्म हो रहा है, F2 पे। तो क्लियर लिखिए, एट F2। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किससे शो होगा, HO से। तो लिखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए कहां पर आपका ये है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को सबसे पहले मेंशन कर दीजिए AB। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज किससे डिनोट होगा, HI। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज। क्लियर? हाइट ऑफ इमेज देखिए इमेज कहां पर है आपका, फोकस F2 पे। फोकस का साइज क्या है, पॉइंट साइज। तो इमेज का साइज क्या होगा, पॉइंट साइज। आप हाइट ऑफ इमेज को बोल सकते हो कि क्या ये पॉइंट साइज है, या इसको क्या बोल सकते हो आप, हाईली डिमिनिश्ड HD, मतलब हाई डेफिनेशन में समझ जाना। HD मतलब यहां पर हो जाएगा हाईली डिमिनिश्ड। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, नेचर
किसके नीचे की बात कर रहे हैं? नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, हम किसके नीचे की बात कर रहे हैं? नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। देखिएगा नेचर ऑफ इमेज फॉर्म पे क्या आएगा, सबसे पहले आप यहां पर ध्यान दीजिए, इमेज के नेचर पे जो भी इमेज आपके लेंस के राइट हैंड साइड बनेगा वो अगर रियल इन्वर्टेड, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो हो रहा है, अगर कोई भी इमेज लेंस के लेफ्ट हैंड साइड बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के अबव, तो क्या होगा? वर्चुअल इरेक्ट। तो इस केस में आपकी इमेज फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है? लेंस के राइट हैंड साइड पे। तो आपका नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? और साइज क्या हो जाएगा? स्मॉल साइज है, हाईली डिमिनिश्ड। इसको आप प्लीज अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए डायग्राम, सारे पॉइंट्स को क्लियरली स्पेसिफाई कीजिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ इमेज पॉइंट साइज है, इसको हम हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं। ये क्या हमारा हाईली डिमिनिश्ड, और नेचर ऑफ इमेज फॉर्म में क्या आ रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपका पहला इमेज फॉर्मेशन हुआ। अब चलिए चलते हैं सेकेंड इमेज फॉर्मेशन पे, ये डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। अब चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, प्रिंसिपल एक्सिस पे तो होगा इस बार, लेकिन 2f1 के पहले, इसलिए हमने क्या बोला? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1। चलिए देखते हैं इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे बनेगा, नेचर क्या आएगा, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या देखेंगे अपन। ठीक है, क्लियर? चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे क्या? एक डबल कन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे यहाँ पर? एक डबल कन्वेक्स लेंस हमने ड्रॉ कर लिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? एक प्रिंसिपल एक्सिस, हमने प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर लिया। फिर हमारे पास ऑप्टिक सेंटर, फिर हमने स्पेसिफाई किया पोल 1, फिर हमने लिखा पोल 2, फिर हमारे पास आया फोकस 1, फिर हमारे पास आया 2f1, फिर हमारे पास आया फोकस 2, फिर हमारे पास आया 2f2। अब आप देखिए आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जब आपका ऑब्जेक्ट 2f1 के बियॉन्ड होगा तो इमेज फॉर्मेशन आपका कहां टेक प्लेस करेगा। तो इसको ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं, मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा क्या किया, एक्सटेंड किया हूं। मान लीजिए मैंने इस प्रिंसिपल एक्सिस को क्या किया, थोड़ा एक्सटेंड, तो ऑब्जेक्ट को मैं कहां रखूंगा? बियॉन्ड 2f1, मतलब मैं ऑब्जेक्ट कहां रखा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा? AB। क्लियर? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किससे बियॉन्ड होगा? HO से। सबसे पहली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, मेरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई, देन क्या होगा? ये यहां से रिफ्रैक्ट होना स्टार्ट होगा। जैसे ही रिफ्रैक्ट होगा कहां से पास होगा? ये फोकस से पास होगा, ये लाइन मेरी फोकस से पास हो चुकी है। नेक्स्ट मेरे को क्या फाइंड करना? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो अपेक्स पॉइंट होगा कहां से पॉइंट पास होगा? ऑप्टिक सेंटर से। वेरी गुड, चलिए हम इसको पास करते हैं कहां से? ऑप्टिक सेंटर से। अगर ये लाइन ऑप्टिक सेंटर से पास हो रही है तो ध्यान से देखिए कहां बनेगा इमेज इसका? इसका इमेज बन रहा है F2 और 2F2 के एग्जैक्ट मिड पे। तो इसका हाइट लिख लीजिए A-B-, और ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज। ऑप्टिक सेंटर से जहां इमेज बनाना हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। क्लियर? और अगेन ऑप्टिक सेंटर से जहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये आपको आया क्लियर समझ में कि हम क्या कर रहे हैं, किसको फाइंड कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसी में लिखेंगे सब चीज को डिटेल पे, कि हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां पर है? ये है बियॉन्ड 2f1, इसको स्पेसिफाई कीजिए। समझिए 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर और 10 हो गया, मान लीजिए 2.5 हमने बियॉन्ड लिया है, तो क्या हो जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर बियॉन्ड। हमेशा याद रखिएगा, बियॉन्ड पे जितना भी आपका फोकस से ऑप्टिक सेंटर का डिस्टेंस होगा उसका हाफ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, इसको 2.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये 6 सेंटीमीटर है तो 3-4 के आसपास ले सकते हैं, ज्यादा बियॉन्ड मत जाइएगा। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कहां बना? बिटवीन F2 एंड 2F2। इमेज डिस्टेंस कहां बना आपका? बिटवीन F2 एंड कहां बना है? 2F2। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये 2.5 है, तो आपका कितना बन जाएगा? 7
5 सेंटीमीटर क्लियर आपको ऐसा उसमें मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है प्रिंसिपल एक्सिस के अबव प्लेस्ड है और ये ए बी है इसको हम कितना लेके चल रहे हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी को 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम कितना लेके चल रहे हैं एस्टीमेट में 5 सेंटीमीटर नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ इमेज में क्या बी हाइफन ए हाइफन जैसा ही डायरेक्शन है वैसा ही आप लिखिएगा जैसा ही डायरेक्शन है वैसा ही आप स्पेसिफाई कीजिएगा डायरेक्शन क्या आपका बी हाइफन और ए हाइफन तो डायरेक्शन के हिसाब से आपका हाइट क्या लिखा बी हाइफन और ए हाइफन इसका हाइट कितना हो जाएगा थोड़ा स्मॉल साइज हो जाएगा मान लीजिए 2.5 सेंटीमीटर का इसका हाइट है क्लियर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा नेचर ऑफ इमेज नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा नेचर ऑफ इमेज देखिए नेचर ऑफ इमेज नेचर ऑफ इमेज में आपको देखिए क्या है ये आपके लेंस के राइट हैंड साइड है और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है आप ध्यान से देखिए हमने क्या बोला आपके लेंस के राइट हैंड साइड है और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है तो आप ये क्या हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड वेरी गुड सही बोला आपने रियल एंड इन्वर्टेड यही इमेज आपका बनेगा क्लियर तो ये हुआ हमारा सेकेंड क्या था जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है बियॉन्ड 2F1 आपको आया समझ पे इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है बियॉन्ड 2F1 2F1 पे बनेगा F2 और 2F2 के बीच पे हाइट क्या हो जाएगी स्मॉल हाइट होगी इमेज की और नेचर क्या होगा रियल एंड इन्वर्टेड इसको आप नोट कर लीजिए ध्यान से डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए क्लियर चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाएगा जब ऑब्जेक्ट आपका प्लेस्ड है एग्जैक्टली 2F1 पे जब ऑब्जेक्ट आपका प्लेस्ड है एग्जैक्टली 2F1 पे तो चलिए इसका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं चलिए हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ प्लेस है ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस है एग्जैक्टली कहाँ पर 2F1 पे तो हमने लिखा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1 तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया 2F1 पे चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डायग्राम सबसे पहले हमने ड्रॉ किया हमने क्या ड्रॉ किया एक डबल कन्वेक्स लेंस किया हमने एक डबल कन्वेक्स लेंस को ड्रॉ कर लिया नेक्स्ट आपके पास क्या अवेलेबल हो जाएगा नेक्स्ट आपके पास अवेलेबल होगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस वेरी गुड तो हमने इसका प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर लिया क्लियर नेक्स्ट इसके बाद क्या आ जाएगा आपको ऑप्टिक सेंटर हमने ऑप्टिक सेंटर भी ड्रॉ कर लिया पोल 1 पोल 2 दोनों को हमने स्पेसिफाई कर दिया फिर हमारे पास आ गया फोकस 1 फिर हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ F1 फिर हमारे पास आ गया फोकस 2 जो रिफ्रैक्टिंग के बाद होगा फिर हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ F2 क्लियर अब चलिए इसको ध्यान से देखते हैं कि हमारा इमेज फॉर्मेशन कहां पर होगा ऑब्जेक्ट आप कहां प्लेस किए ऑब्जेक्ट आपने एग्जैक्टली प्लेस किया है 2F1 पे ऑब्जेक्ट आपने कहां प्लेस किया ऑब्जेक्ट आपने एग्जैक्टली प्लेस किया 2F1 पे तो हमने ऑब्जेक्ट को 2F1 पे प्लेस किया सबसे पहले लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी यस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा चुकी है लाइन क्लियर अब ये रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइन आपको कहां से पास होगा ये लाइन रिफ्रैक्ट होने के बाद पास होगी फोकस से जो कि होगा आपका आफ्टर रिफ्रैक्शन क्लियर तो ये फोकस से पास हो गया नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना डेफिनेटली ये जो लाइन है ये कहां से पास होगी ऑप्टिक सेंटर से पास होने के बाद इससे इमेज फॉर्मेशन कहां पर होगा आफ्टर 2F2 हाइट ऑफ इमेज को देख सकते हैं बी हाइफन ए हाइफन ये आपका हो जाएगा इमेज डिस्टेंस क्या है वी कहां पर आ रहा है बियॉन्ड 2F2 और ये है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है आपका U तो चलिए इसको ध्यान से देखिएगा क्या है कैसा है सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखिए ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस्ड है एग्जैक्टली है 2F1 पे 5 सेंटीमीटर ये है 5 सेंटीमीटर ये है तो टोटल कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर प्लस की माइनस ये होगा माइनस 10 सेंटीमीटर क्यों क्योंकि लेंस के लेफ्ट हैंड साइड है साइन कार्टेशियन के हिसाब से फिर V कितना आ रहा है आपका V है आपका कितना यहां पर ये 5 5 10 हो जाएगा मान लीजिए वहां 1.5 सेंटीमीटर है तो आपका कितना है 11.5 सेंटीमीटर तो आप लिखिए ये आफ्टर 2F2 और इसमें आप लिख सकते हैं प्लस 11.5 हम प्लस क्यों लिख रहे हैं क्योंकि न्यू साइन कार्टेशियन हिसाब से
लेंस का लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होता है और लेंस का राइट हैंड साइड लेंस का लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होगा, लेंस का राइट हैंड साइड क्या होगा पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए ध्यान से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है एफ वन पे टू एफ वन पे और उसका हाइट होगा ए बी और ए बी का हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर। ए बी और ए बी का हाइट कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास आएगा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज का हो जाएगा बी हाइफन और ए हाइफन, हाइट ऑफ इमेज का हो जाएगा बी हाइफन ए हाइफन, ये थोड़ा लार्ज साइज का बनेगा तो उसका हम लिखते हैं 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा पॉजिटिव क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है और हाइट ऑफ इमेज होगा नेगेटिव क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, क्लियर। अब आप नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या आता है, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, आपके पास नेक्स्ट क्या है नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, इसको ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका रियल एंड इनवर्टेड। नेचर ऑफ इमेज में आपका क्या, आपके पास क्या क्या रियल एंड इनवर्टेड, या पूरा क्लियर। आपने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया 2f1 पे और उसकी इमेज कहां बन रहा है बियॉन्ड 2f2 पे, यानी कि 2f2 के बाद आपको क्या बना आपका इमेज बना, और नेचर ऑफ इमेज के रियल इनवर्टेड क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है और आपके लेंस के राइट हैंड साइड है, क्लियर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास क्या आ जा रहा है ab जो आपने प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रखा है 2f1 पोजीशन पे, हाइट ऑफ इमेज क्या आपका b-a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 -
एक्सिस के बिलो मेजर किया जाएगा, उसके बिलो उसको नापा जाएगा तो वो होगा नेगेटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के अबव मेजर किया जाएगा वो होगा आपका पॉजिटिव, और लेंस के लेफ्ट हैंड साइड अगर मेजर करेंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव, और लेंस के राइट हैंड साइड मेजर करेंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हुआ हमारा थर्ड, जिसमें आपने कहां पर रखा है 2F1 पे रखा है। क्लियर, ये आया आपको समझ पे? और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके बाद कि जब आपका इमेज फॉर्मेशन बाकी डिफरेंट केसेस में कैसे होगा। स्टे ट्यून्ड टू अवर चैनल टेस्ट क्विज, हम आपका फिर से स्वागत करेंगे। अच्छे से सेफ रहिएगा आप, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।